हम ना हम तीन भाई हैं और मेरा पर्सनली मानना घर में सिर्फ भाई भाई नहीं होने चाहिए. मतलब ये नहीं कि घर जाके मांग लो मम्मी बहन चाहिए. जो हो गया वो हो गया. इस उम्र में मम्मी परेशान नहीं करनी अपनी. नहीं तो बाप तो रेडी ही रहते हैं. मैं फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ. मेरा पर्सनली मानना है घर में सिर्फ भाई भाई बहन डालो. एक बहन बहुत जरूरी. देखो जैसे ही बहन आती ना लड़के थोड़े तमीज से रहते हैं. तुम लड़कों का झुंड पैदा करो बहन तोड़ फोड़. ये रोज सोचते कि अगर स्कूटर के इंजन में पेचकस मार दूं तो अगर ये मोटे को फुल करके भाग जाऊं अगर इस छोटे बच्चे को पैंचो वाली गाली सिखा दूं. आदमी हमेशा कुछ खराब ही करना चाहते हैं. मैंने कभी दो लड़कियों को डिस्कस करते नहीं सुना कि फेयरवेल पे ना बाथरूम का शीशा तोड़ेंगे. ये काम सिर्फ हम आदमी करते हैं. जरा आप दो भाई हो ना, आप दोनों की नेचर या पर्सनैलिटी मैच करते हो वैरायटी ऑपोजिट्स. काफी जनरली ऐसे होता है जिस घर में भाई होते हैं पर्सनैलिटी मैच नहीं करती. लड़का पैदा होता है अपना बड़ा भाई देखता है और सोचता है ये तो नहीं बनना. हम तीन भाई में इतनी वैरायटी. सबसे बड़ा भाई थोड़ा तमीजदार आदमी है शकल से. अंदर से बकचोदी है. मैं तो छोटा भाई हूं. उसको काम करवाना होगा बोल देगा भाई पानी पिला दे यार मैं ले आता कोई बात नहीं. मेरा बीच वाला भाई ड्रामा. मुझे कहता पानी पिला दे मैं बहन जा रहा. छोले फट गए छोले फट गए. मैं भाई ले आता हूं यार. ये घटिया एक्टिंग ना कर मेरे सामने. मेरा सबसे बड़ा भाई प्रॉपर टॉपर आदमी है. उसको पढ़ने का शौक है. मैं सोच रहा पढ़ाई और शौक सेम लाइन में कैसे आ रहे हैं. उसको पढ़ने का मैं हूं आखिरी मिनट वाला. मैं रात को पढ़ता सुबह फोड़ता हूं. हमारा तीसरा भाई मिडिल वाला. वो होते ना बच्चे जो पेपर का प्रिंसिपल को कहते सर ये बाहर से आया है. प्रिंसिपल कहता बेटा सिलेबस में है क्या. सर औकात के बाहर. इतना फर्क है हम तीन भाइयों की पर्सनैलिटी में. लेकिन हमारी खासियत जिस घर भाई हमारी एक छोटी सी खासियत होती है वो ये है कि जब भाई साथ में है ना जब भाई साथ में हमारी ना फटनी बंद हो जाती है. हम में कोई डर खौफ नहीं होता. भाइयों में मौत का भय होता ही नहीं. भाइयों का बस लाइफ में एक रूल होता है कि लाइफ में कुछ बन जाओ शिकायत ही टट्टू नहीं बनना. ये बाप को जाके मुखबरी नहीं करनी. ये बहन भाई में होता है कि तुमने मारा उसने मारा तुमने मारा जोर से लग गया. भाई कभी शिकायत लगाते. हम तीनों भाई अभी बहुत एस्टैब्लिश लोग हैं. ठीक है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सब छोड़ के स्टैंड अप कर रहा हूं. दूसरा भाई एमबीए तीसरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शाबाश. बचपन में लौंडे उठते हैं रोज सुबह एक ही चीज सोचते हैं कि आज हमारी मौत कैसे हो सकती है. हम तीनों भाई रोज मरने से इतने पॉइंट से बचे हैं. कई बार सर इसलिए नहीं मरे क्योंकि यमराज की हंसी निकल गई कि चित्रगुप्त ये हरामजादे कर क्या रहे हैं. पूरा देखते हैं पूरा देखते हैं. मैंने एक बार अपने मुंह में मरकरी वाला थर्मामीटर तोड़ दिया था. मेरा दूसरा भाई एक ऑटो में से कच्चे केले तोड़ा था उसी ऑटो के नीचे आ गया था. और हमारा सबसे बड़ा भाई ऐसा मजाक में हाथ से पंखा रोक के दिखाता था. हम भाई नहीं है सर्कस है हम लोग. लड़कियों को आइडिया ही नहीं है कि जिस घर में सिर्फ भाई होते क्या हरकतें करते हैं. मेरा बड़ा भाई मेरे पास था यू करता था छाती फुलाता था फिर कहता मुक्का मार कुछ नहीं होगा. हमने एक बार एक गेम खेली कि एक भाई ऐसा कार्डबोर्ड का पीस पकड़ेगा और बाकी भाई उस पर चाकू मारेंगे और जिसका मिस हो गया वो आउट. मैं कौन सा ये वाला के वो वाला. रोज नया कांड रोज. हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए ना मेरा बड़ा भाई उनको बोलता था मेरा छोटा भाई है ना ऐसा भाग के दीवार में सिर मारेगा कुछ नहीं होगा. एक आम घर में बेड होता है उसे हम कहते हैं चारपाई. चारपाई क्यों कहते हैं. हमारे बेड के पांच थे क्योंकि पांचवां सेंटर में लगवाया था क्योंकि वहां पे खड्डा हुआ था.
क्योंकि उसमें मैं गिरा था, क्योंकि बड़े भाई ने चोक स्लैम पता चोक स्लैम डाल दिया। हम लोग रेसलिंग खेल भी नहीं रहे थे, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं मूतने के लिए उठा था, मैं जा रहा था, अचानक मुझे पंखा दिखा, मैं सोचूं मैं तो एक्स एक्सिस पे था, भाई क्या क्या आ गई है। हमारे यहां बच्चों की खासियत है, जिस दिन बाल धोते हैं उस दिन बनते हैं अंडरटेकर। उसे चोकलेट डाल दिया, बैठता बिना बॉक्स वाला टूट गया, खड्डे में गिराऊं। भाइयों में पहला थर्ड कभी डर खौफ वाला आया ही नहीं है। मेरा बीच वाला भाई आया, मुझे हाथ दिया, मेरे को लगा उठाएगा, करता वन। और जिस घर में सिर्फ भाई है ना, हमारी एक और खासियत है कि हम ना अपने बाप को सीरियस लेते ही नहीं है, हम उसको बताते ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। हमें होता है इसको तो पता ही है, ओ ये भी तो लौंडा ही है, इसको तो पता ना हमारे हार्मोन फट रहे हैं। शाम को डैडी आए, बेड टूटा हुआ, तीनों भाई जमीन पे गद्दा बिछा के बैठे हुए हैं, आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, बात कोई नहीं कर रहा। डैडी ने खुद पूछा, करो कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे पड़ी मार, बताना पड़ा, मैं पापा वो चोक स्लैम। डैडी कहे चोक स्लैम क्या होता है। भाई कहता यही रुकना है एक मिनट। डैडी ने कारपेंटर को फोन किया कि घर पे आना काम है। कारपेंटर घर पे आया, बेड देखा, मेरे बाप को इशारे करा, ताजी बेड ही तोड़ दिया है। मैं साले मेरे बाप को गंदे आइडिया मत दे, हम पहले तीन भाई हैं, मुश्किल से पूरे आ रहे थे बेड पे, हमने वो भी तोड़ दिया। रोज डेली का नया कांड। मैं एक बार थर्ड क्लास में था, बीच वाला भाई फोर्थ में, सबसे बड़ा नाइन्थ में, सबसे बड़े भाई का स्कूटर चलाना आता था। मॉम डैड गए इवनिंग वॉक, मैंने बोला मैं कहा बाहर गए हैं एक चक्कर लगवा दे, कहता मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये क्या बहाना हुआ, एक चक्कर लगवा दे क्या हो गया। उसने बोल दिया स्कूटर में तेल नहीं है। मैं और बीच वाला भाई कोई बात मानते नहीं, वो चेक करके आते हैं। हम रात के अंधेरे में गली में जाके टैंक खोल के झांक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बीच वाला भाई यहाँ खड़ा है, कह रहा देखा, मैं कह नहीं यार अंधेरा बहुत ज्यादा है। अंधेरा वाकई ज्यादा था, तो हमने मोमबत्ती जला ली। ट्रू स्टोरी। मैं झांक रहा था, बीच वाला भाई यहाँ मोमबत्ती ले खड़ा है, कह रहा देखा, मैं कह नहीं देखा, पास ला पास ला, कह रहा देखा, मैं कह नहीं देखा, पास ला पास ला, कह रहा देखा, मैं कह नहीं, कह रहा देखा, मैं कह नहीं, कह रहा देखा, मैं चित्रगुप्त तो वहां से देख रहा था। ऊपर यमराज कह रहा जानते 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 मैं पास ला पास ला। हम करे डिस्कशन, हमारी आवाज बड़े भाई के कान तक पहुंची। वो आया सीढ़ियों में, उसने झांक के देखा गली में, उसको दिखा एक स्कूटर जिसका टैंक खुला हुआ है, तो प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक भाई, एक जलती मोमबत्ती। ये वाला टॉपिक अभी उसके सिलेबस में रिसेंटली आया ही था, उसको ना क्लिक ही नहीं हुआ, वो 5 सेकंड देखता रहा, कह रहा इस इक्वेशन में कुछ तो गलत है। उसको अचानक याद आया कि मैंने स्कूल में पढ़ा था कि पेट्रोल को आग लग जाती है। वो पैनिक किया, उसने आवाज दी, कह रहा पीछे फट जाओगे, अब स्कूटर दो मर जाओ, भैंसों मर जाओगे, और दिक्कत नहीं मर जाओगे, दिक्कत है बाप आएगा नाम मेरा लग जाएगा। क्योंकि सीधी बात, भाइयों का मुद्दा मौत नहीं है, हमारा मुद्दा है नाम हमारा नहीं लगना चाहिए। हम तो इतने हरामी है, कोई चीज तोड़ते हैं उसको वैसे ही बना के रख देते हैं, अगला हाथ जिसका लगा। रोज नया कांड, रोज।
लेकिन ये जो है ना पेट्रोल वाला, ये हमारा सेकंड बेस्ट है। बताऊंगा, भाग नहीं जा रहा भाई, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन नहीं हूं। हम तीन भाई एबा खेले क्रिकेट। तीन भाइयों का ये फायदा, क्रिकेट खेल सकते हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। मैं बॉलिंग पे था, मैं डाली बॉल, बीच वाले भाई ने घुमा के शॉट मारी। सॉरी, एक ही बताना भूल गया, ये ना हम आठ बाय आठ के बेडरूम में कर रहे थे। वो कमरा इतना छोटा, वहां पे तो रन लेके लिए ये कर सकते हो। उस कमरे का हर पॉइंट सिली पॉइंट है। हम उस कमरे में अपनी ट्रायंगुलर सीरीज रख के बैठे हुए। मैं डाली बॉल, बीच वाले भाई ने घुमा के शॉट मारी, दो आवाजें आई। पहली आवाज थी टक, दूसरी आवाज थी टन। टक सबको पता, प्लास्टिक की बॉल, लकड़ी का बैट, बड़ी प्यारी आवाज होती है। टन, लकड़ी का बैट, बड़े भाई का माथा। यहां लगा बैट, यहां से माथा खुला, खून बह रहा था। एक्चुअली उससे पहले जब भी वो स्कूल का फॉर्म भरता था, वहां पे होता था एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो उसके पास था नहीं, हमने खुद ही बना लिया। माता खुला, खून बह रहा है। भाइयों में पहला थॉट कभी डर खौफ वाला आया ही नहीं है। मेरा बड़ा भाई स्लो मोशन में गिर रहा था, और मेरा पहला थॉट था, मैं कह यार ये तो ओपन एंड शट केस है, ये मर गया है, इसके फिंगरप्रिंट है, चश्मदीद गवाह। कल सुबह मेरे पास तीन साइकिल होंगे और अकेला सोऊंगा पांच पाई पे। भाई से गिरा हुआ था हमारा। जिंदगी में पहली बार हमें डर लगा, मतलब मुझे ही लगा, ये तो लेटा हुआ था आराम से, और ये कहता कि बैटिंग लेके नाटक कर रहा है। मैंने बोला, मैं चेक कर लेते एक बार कि कल स्कूल जाना है कि छुट्टी। मैं भाई ओए उठ, हाथ लगाने, फिंगरप्रिंट जाते हैं, जेल सिर्फ हो जाएगा। मैं कहा भाई हेलो, ओए उठ भाई, ओए उठ, थोड़ा सा हिला। मेरी जान में जान आई, इतने में बीच वाला भाई कहता, कह रहा फिर ये वाली बॉल काउंट नहीं होगी। तो इसको बॉल की पड़ी हुई है, मेरा साइकिल कैंसिल हो गया। मैं खून भाई उठ, हमने भाई को उठा के बिठाया, उसकी आंख बंद है, माथा फटा, खून बह रहा, डर खौफ शुरू ही नहीं हो रहा। मैं बड़ा भाई कहेगा छोटे बासुन, 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 अगर मर गया ना, अगर मैं मर गया, मेरी अलमारी में ना एक गंदी मैगजीन पड़ी है, फेंक देना। मैं क्या, तू मर सकता है, तेरे मुंह से निकली आखिरी बात ये कैसे हो सकती है? अगर बाप ने पूछा कि क्या बोल के गया है, क्या बताएंगे? बीच वाला भाई फिर बोला, कह रहा और वैसे भी हम लोग मैगजीन फेंकेंगे क्यों? मैं खून बह रहा उठा, हमने भाई को उठा के खड़ा किया, उसकी आंख बंद है, माता फटा, खून बह रहा, डर खौफ शुरू ही नहीं हो रहा। मेरा बड़ा भाई कह रहा छोटे भाग के जा, छोटे भाग के जा, रुई लेके आ, रुई, इसके माथे में छेद है यार पर। कहता रुई लेके आ, मैं रुई, शुक्र है तूने सेलो टेप नहीं मांग ली। मैं जितना माता फटा इस पे कम से कम पूरा गद्दा लगेगा एक। कह रहा भाग के रुई लेके आ, और मेरी बात सुन, मम्मी को मत बताइयो। तुम समझ रहे हो ब्रो कोड का मतलब? ये बंदा अभी भी कह रहा है कि मम्मी को मत बताइयो, इसको लग रहा है इस कांड के बाद नीचे जाके कैजुअली बैठ जाएंगे कि मम्मी लंच में क्या बनाया है, क्या मतलब मेरी आंख बंद, बचपन से बंद थी मेरी, पुरानी फोटो वाला शिमला वाली, मैं काना ही था। भाइयों का ब्रो कोड इतना स्ट्रॉन्ग, अगर हम तीनों में से खेलते खेलते एक आधा मर जाता, अपने घर वालों को कन्विंस कर लेते हम दो ही थे।